आप ही खोले हुए हो? करें स्टार्ट? आ गए स्टूडेंट्स? कितने आ गए? 8 स्टूडेंट्स। ये पंखा चलाएं तो प्रॉब्लम तो नहीं होगा? थोड़ा स्लो कर दें बने। सही है, आ जाए थोड़ी देर तक, आ जाए बच्चे, मसला हो जाता है सबके लिए। अच्छा ओके, यस्टरडे वी स्टडीड अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर अल्काइल हैलाइड्स? मोनो हेलो अल्केन्स आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स। और उसके बाद हमने जनरल फार्मूला पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था इसका क्लासिफिकेशन। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड तीन तरीकों से बनाया जाता है। नंबर वन, फ्रॉम अल्कोहल। नंबर टू, फ्रॉम अल्केन। नंबर थ्री, फ्रॉम अल्कीन। दीज आर द थ्री मेन मेथड्स टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड्स। नंबर वन इज फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल का जो जनरल फार्मूला है वो है ROH। इस OH को हम रिप्लेस करेंगे किसके साथ? हैलोजिन के साथ। बता मैं किसके साथ रिएक्शन कराऊं, Cl2 या HCl? HCl के साथ, क्योंकि यहाँ से हमारा बन सकता है वाटर। यहाँ पे आप जनरल लें HX में X जो है वो OH की जगह पे रिप्लेस होगा RX, प्लस में बना वाटर। दिस इज़ अ जनरल रिएक्शन टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। इसकी जगह पे आप ले सकते हो PCl3, PCl5, PI3। PI5 नहीं होता, याद करना, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ आयोडीन। इसी तरह PBr3। अगर आपके पास ये नहीं है, HX नहीं है, यू कैन यूज PCl3, PCl5, PI3, PBr3। इसका एग्जांपल लेते हैं, R की जगह पे मिथाइल उठाएं, सो मिथाइल अल्कोहल रिएक्ट विथ HX, X कोई भी ले सकते हो, HCl फॉर एग्जांपल, क्या बना? CH3Cl प्लस H2O। दिस इज अ मिथाइल क्लोराइड विच इज अल्काइल हैलाइड। इसी तरह इथेनॉल रिएक्ट विथ
HCl, you will prepare ethyl chloride plus water. HS की जगह पे आप अगर ये उठाएं, ये उठाएं, या थायोनाइल क्लोराइड उठाएं, ये याद करियो, दिस इज द बेस्ट इनऑर्गेनिक रिएजेंट, बेस्ट इनऑर्गेनिक रिएजेंट, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थायोनाइल क्लोराइड. फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल रिएक्ट विथ थायोनाइल क्लोराइड. ये रिएक्शन बाबा याद करियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है थायोनाइल क्लोराइड. हेयर आई विल यूज पायरीडीन, अ सॉल्वेंट. पायरीडीन इज अ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है. इनमें छा थींदो, इसमें क्या होगा, इथाइल क्लोराइड बनेगा C2H5Cl. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज SO2 एंड ये एच बची गया, हाइड्रोजन बच गई, वो इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके HCl बनाएगी. HCl को पायरीडीन कहता है जज़ब. HCl इज एब्जॉर्ब्ड बाय पायरीडीन. SO2 गैस, ठीक है, वो लीव कर जाएगी, उड़ जाएगी, लिविंग बिहाइंड अ प्योर अल्काइल हैलाइड. दिस इज अ प्योर अल्काइल हैलाइड. दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डार्ज़िन रिएक्शन. इसको भाई डार्ज़िन रिएक्शन बोलते हैं. नोट करें, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. इथेनॉल रिएक्ट विद थायोनाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पायरीडीन सॉल्वेंट, वी विल ऑब्टेन इथाइल क्लोराइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl. दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डार्ज़िन रिएक्शन. नाम थियो सर, खैर ठीक ठाक सर, शुक्र है मालिक जो. अच्छा, ऑनलाइन क्लास हले वे थी, ठीक है, मोकली माओ. अच्छा, मोकले तो बासि साहब ने मोकली. डार्ज़िन रिएक्शन समझिया बाबा. हाँ मोहित, इथेनॉल रिएक्ट विथ थायोनाइल क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड थायोनाइल क्लोराइड. लिखी छो थायोनाइल क्लोराइड. यो चैप्टर इन करे पढ़ूँ था, अल्काइल हैलाइड इंपॉर्टेंट होता है तमाम, छो जो इन्हीं मोई कन्वर्जन रिएजन सीखी है, ठीक है, अगत दिसंदो पान इंशाल्लाह समझ में अची वी. उन्हीं पर नेक्स्ट आए फ्रॉम अल्केन. ये सिंपल है, अल्काइल लाइ तो आराम से तैयार कर सको. फॉर एग्जांपल कोई भी अल्केन खड़ो CH4 के हैलोजन से रिएक्शन कराए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. हाँ रात आ सिज न, सनलाइट जो इन बिन्हीं मॉलिक्यूल के एक्टिव कह रिएक्शन में ना, फोटोकेमिकल रिएक्शन सदी है. फोटोकेमिकल रिएक्शंस, फोटोकेमिकल रिएक्शन जीरो ऑर्डर हों. याद कर जीरो ऑर्डर आ CH3Cl plus HCl.
हीअ तव्हांजो अलकाल लाइट तयारु। एक्चुअली हिन में हिकिड़ो मिक्सचर ठहंदो आहे, मिथाइल क्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीकु आहे। हिन रिएक्शन में हिकिड़ो मिक्सचर ठहंदो आहे, हिकिड़ी ॿी शइ प्रोडक्ट आहे CH2Cl2, CHCl3, CCl4। पोइ असां हिन खे सेपरेट कंदा आहियूं, ठीकु आहे, मिक्सचर में। पर ज़हन में रखिजो, मीथेन रिएक्ट विथ क्लोरीन, छा ठहंदो? मिथाइल क्लोराइड। हाणे मिथाइल क्लोराइड इज़ अल्केन डेरिवेटिव, दिस इज़ अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्केन। हीउ सेकेंड मेथड आहे, ठीकु आहे, अल्काइल हैलाइड खे असां अल्केन मां तयारु कयो आहे। हीअ आहे असांजो फस्ट मेथड। फस्ट मेथड में हीउ रिएक्शन इम्पोर्टेंट आहे, ठीकु आहे, यादि कजो, थायोनाइल क्लोराइड मां। थर्ड वन इज़ थर्ड इज अल्कीन फ्रॉम अल्कीन। अल्काइल हैलाइड के छा मां तैयार कंदो? अल्कीन मां। अल्कीन हूंदा आहिनि ॿिनि क़िस्मनि जा, देर आर टू टाइप्स ऑफ अल्कीन, नंबर वन साइमेट्रिकल एंड नंबर टू अनसाइमेट्रिकल। कीअं ख़बर पए साइमेट्रिकल एंड अनसाइमेट्रिकल जी? डबल बॉन्डेड कार्बन हैविंग टू सेम ग्रुप्स ऑफ एटम्स विच आर अटैच, टू हाइड्रोजन हेयर, टू हाइड्रोजन हेयर। डबल बॉन्डेड कार्बन सां अनइक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आहे, इहो आहे अनसाइमेट्रिकल अल्कीन। वेन इथीन रिएक्ट विथ हैलोजन, हेयर ऑल्सो रिएक्ट विथ हैलोजन, त हिन में छा थींदो? इसमें क्या होगा भई, ये जो क्लोरीन है एक इधर एक यहाँ पे, पर अल्काइल हैलाइड नहीं बनेगा। इतने असो अल्काइल हैलाइड न ठो मने, छो जो ब एटम अंदर अचन था। अल्काइल हैलाइड ठाण ला असें इतने HCl रिएक्ट कराणो या HBr, HI। हाँ ही हाइड्रोजन या इतने अचे या इतने अचे, गाल सागी CH3 CH2Cl। जेकॾहिं अनसाइमेट्रिकल अल्कीन आहे, दिस इज अनसाइमेट्रिकल अल्कीन, त हाणे हिते क्वेश्चन अराइज़ थिए थो, दिस इज़ कार्बन नंबर वन, कार्बन नंबर टू, कार्बन नंबर थ्री। अनसाइमेट्रिकल अल्कीन में हिते पॉज़िटिव नेगेटिव चार्जिस आहिनि। नेगेटिव चार्ज किथे ईंदी? जिते H घटि हूंदा। नेगेटिव चार्ज वहाँ पे आएगी जहाँ पे हाइड्रोजन कम होंगे, ठीक है। तो हाँ ऐसो इतने तक प्रोडक्ट निकले थी, तो H इतने घटन, ही H काटे वी इनके वैलेंसी के पूरा कर CH3 CHCl CH3। अनसाइमेट्रिकल अल्कीन में तुम सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड ठहो आ कहिड़ो, ऐं साइमेट्रिकल अल्कीन में कहिड़ो आहे? प्राइमरी, यादि कजो, ठीकु आहे। हीअ आहे 2° अल्काइल हैलाइड। सो इहो हुयो बाबा प्रिपेरेशन, हमने प्रिपेरेशन पढ़ी अल्काइल हैलाइड, नंबर वन फ्राम अल्कोहल, नंबर टू फ्राम अल्केन, नंबर थ्री फ्राम अल्कीन। अल्कीन से भाई दो हमने पढ़ी, एक साइमेट्रिकल और एक अनसाइमेट्रिकल। मुझे क्वेश्चन आ बाबा, इन रूल के छा चइबो आहे? इन रूल के मार्कोनिकोव्स रूल, मार्कोनिकोव्स रूल। ऐं जेकॾहिं मां हिते जेकॾहिं अगरि मैं इस रिएक्शन में फॉर एग्ज़ाम्पल
आई एम यूजिंग हेयर पर ऑक्साइड. इफ आई विल यूज हेयर पर ऑक्साइड तो बताएं भाई ब्रोमीन कहाँ पे जाएगी, सेकंड नंबर कार्बन पे या फर्स्ट पे, फर्स्ट पे या सेकंड पे, बताओ. अगर हम परऑक्साइड यूज़ करेंगे तो ब्रोमीन आएगी फर्स्ट नंबर पे, क्योंकि मार्कोनिकोव का एंटी मार्कोनिकोव बन जाता है. हाँ ये रूल अप्लाई थींदो एंटी मार्कोनिकोव छो जो हिन जे यूज़ करण सां एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट ठहंदी आहे. ठीकु आहे, उहा कहिड़ी ठहंदी, सी ए बी आर सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू सी एच थ्री. इट मीन्स अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड फॉर्म्ड. ठीक है भाई, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बनेगा. ऐसी चेक करना इस टाइम. बाद में बंद कर दिया. लिख लिया मिटा दो ना. कितने स्टूडेंट हैं आमिर? ओके, नाउ द केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड. केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड देखिए भाई, अल्काइल हैलाइड जिसके अंदर कार्बन भी होता है, आर के अंदर कार्बन होता है, और हैलोजन मींस फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन. क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन. कार्बन और हैलोजन बॉन्ड यहाँ पर पोलराइज्ड है. ठीक है, हाईली रिएक्टिव होता है. रिएक्शंस आर ड्यू टू दी पोलरिटी बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन्स. बताओ भाई बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा है? सी एफ की. बॉन्ड एनर्जी सी एफ की ज़्यादा है, सी सी एल की ज़्यादा है, सी बी आर की ज़्यादा है, या सी आई की? बॉन्ड एनर्जी सी एफ की ना, सी एफ की ज़्यादा है बॉन्ड एनर्जी ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हैलोजन. तो बॉन्ड पोलरिटी की वजह से इसके जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो तीन किस्म के हैं. नंबर वन, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नॉट अ गुलाम रसूल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जी आर. यहाँ पे एक टीचर है जी आर नाम है उसका, गुलाम रसूल. हाँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना अभी. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, पहला भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है ये हम सीखेंगे. एस एन रिएक्शंस केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी अल्काइल हैलाइड की, उसमें एस एन रिएक्शंस आते हैं. और होते हैं एक एलिमिनेशन रिएक्शंस, ई रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शन. दी थ्री रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. और एंट्री टेस्ट में तो ये मस्ट आते हैं ना, ये इंशाल्लाह अच्छे तरीके से सीखेंगे. एस एन रिएक्शंस लाजमी सवाल आता है. तो पहला नंबर है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट.
गिरिग नॉट रिएजेंट, रिएजेंट मीन्स अ केमिकल विच कैन प्रोड्यूस मैनी अदर केमिकल्स। एक केमिकल में से कई और केमिकल बने तो वो होता है भाई रिएजेंट। हिकड़ी शेमो ब्यू शे उठान, ठीक है, उनकी छा चबा रिएजेंट चबा। ये गिरिनाट नालो आ, पूरा नालो आ विक्टर गिरिनाट, इनके मिलो हो नोबेल प्राइज। छाजे करे मिलो छो जो उन्हें कई केमिकल ठाया, ठीक है, हजारन की तादाद में एकड़ी शे में काफ़ी शूं तैयार थियन ना, उन्हीं के चबा रिएजेंट। हाँ, यो कारनामो गिरिनाट अचीव कर। गिरिनाट रिएजेंट आए कड़ो आर एम जी एक्स अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइट, इन्हीं के छाते बा गिरिनाट रिएजेंट। इन्हें में दिसो आर, आर माने कार्बन, एम जी एक्स मीन्स हैलोजन, हैलोजन माने फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। हाँ, ये कार्बन ए मेटल के विच में बॉन्ड आ। कार्बन के तुम ची सको तो आर्गनो आर्गेनिक है ना, आर्गेनिक पार्ट आ आर्गनो, ए बॉन्ड के साथ गा मेटल्स है आर्गनो मेटालिक, इनके चवे आर्गनो मेटालिक कंपाउंड, ठीक है, आर्गनो मेटालिक कंपाउंड। एकड़ो थी मेटालो ऑर्गेनिक, समझो फर्क में, एकड़ो ऑर्गेनो मेटालिक, एक थी मेटालो ऑर्गेनिक। मेटालो ऑर्गेनिक मीन्स इन जगह से मेटल अची वे। हाँ, इतने मेटल कैंसा बॉन्ड में आ ऑक्सीजन से, इतने मेटल कैंसा बॉन्ड में आ कार्बन से, तो ये फर्क आ, ठीक है, मेटालो ऑर्गेनिक। हालांकि मेटल इन कंपाउंड में भी आए ऑर्गेनिक में, पर ये मेटालो ऑर्गेनिक आ छोजो कार्बन से मेटल बॉन्डेड न, कार्बन से मेटल बॉन्डेड हो तो वो ऑर्गेनो मेटालिक। हाँ, ही कड़ो आ सी एच थ्री एम जी आए, हि आए आर्गनो मेटालिक। हि कड़ो आ, हि थियो मेटालो ऑर्गेनिक, ठीक है, फर्क है इनमें। गर्मी है बहुत, तो गिरिग्नाट रिएजेंट फॉर्मेशन कैसे होती है भाई, गिरिग्नाट रिएजेंट की फॉर्मेशन कैसे होती है। कोई भी अल्काइल हैलाइड उठाओ, फॉर एग्जाम्पल जनरल उठाते हैं अल्काइल हैलाइड प्लस, यहाँ पे जो मेटल है वो हो मैग्नीशियम, दूसरा मेटल नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैग्नीशियम हैज ग्रेट एफिनिटी एफिनिटी टुवर्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन खींचने की सलाहियत मैग्नीशियम में ज़्यादा होती है,
हेयर वी यूज ड्राई ईथर. ड्राई ईथर मीन्स ETOET. ETOET क्या होता है? डाई इथाइल ईथर, C2H5O, C2H5. ड्राई छो, ड्राई क्यों? क्योंकि मेटल अगर मॉइस्चर होगा, पानी होगा, तो उसके साथ रिएक्शन करेगा, ड्राई फॉर्म में रिएक्शन नहीं करेगा. तो यहाँ से हमारी एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगी RMgX. दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट याद करना, लेबोरेटरी के अंदर ये वाला मुश्किल से बनता है जिसमें फ्लोरीन हो. ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये वाला सबसे बेहतरीन होता है, बेस्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. इसको बेस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि अल्काइल ग्रुप छोटा है और हेलोजन साइज में बड़ा है. लार्ज हेलाइट ये निशानी है, स्मॉल अल्काइल. ठीक है, स्मॉल अल्काइल, लार्ज हेलाइट ये निशानी है किसकी? बेस्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. मैं बताओ इनमें से बेस्ट कौन सा है? CH3 मैग्नीशियम क्लोराइड, C2H5 MgF, CH3 MgBr. तीन ऑप्शन है, चलो बताओ कौन सा सही है. सी, हाँ भाई, पहले आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. इनमें से लंबी साइज किसकी है? आयोडीन की. आयोडीन यहाँ पे नहीं है. उसके बाद ये भी मौजूद है पर फ्लोरीन वाला नहीं बनता. बाकी बच गए दो ऑप्शन, क्लोरीन, ब्रोमीन. क्लोरीन इधर भी है, ब्रोमीन इधर भी है, पर ये साइज चेक करो, ये दोनों सेम है. ठीक है, तो कौन सा बेहतरीन हुआ? ब्रोमीन वाला, क्योंकि साइज में ये बड़ा है. ये चलो बेहतर, बेस्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. देखो भाई, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसके जो रिएक्शंस हैं वो है हमारे पास दो किस्म के, न्यूक्लियोफिलिक. एक होंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक होंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक पता है क्या है? न्यूक्लियोफिलिक मींस इसमें नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज वाले, नेगेटिव नेगेटिव के साथ रिप्लेस होगा. जैसे OH पे माइनस चार्ज, Cl पे माइनस चार्ज, Br पे माइनस चार्ज. ठीक है, यह न्यूक्लियोफिलिक. इतने न्यूक्लियोफाइल केड़ोआ, न्यूक्लियोफिलिक केड़ोआ इतने केड़ोआ न्यूक्लियोफिलिक पार्ट्स ये वारो. ठीक है,
न्यूक्लियोफिलिक पार्ट आई जो रिप्लेस थी ठीक है बे न्यूक्लियोफाइल से तो यह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थी। हाँ असा जो पैर पढ़ा ग्रीन आर्ट जहाँ वे पंज रिएक्शन पढ़ाते एन एस आर वाला पांच पढ़ेंगे हम बहुत आसान है शॉर्टकट सीखेंगे हम इसकी इंशाल्लाह। दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर एम जी एक्स याद करो या वाटर या है अल्कोहल या है अमोनिया या है आर एन एच टू। इन कंपाउंड में गौर कियो सबनी में हाइड्रोजन मौजूद आ सबनी में हाइड्रोजन मौजूद आ जने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्डिंग में अचे हाइड्रोजन नाइट्रोजन से बॉन्डिंग में अचे उनके चबा एक्टिव हाइड्रोजन ये एक्टिव आ ये सबनी में गौर क्यों ये एक्टिव आ है ना भी एक्टिव आ सही आ इतने दिसो एक्टिव हाइड्रोजन ही आ ही नहीं ही हाइड्रोजन कार्बन सा बॉन्डिंग में आ ठीक है इतने दिसो ऑक्सीजन सा है इतने नाइट्रोजन सा मौजूद आ इतने नाइट्रोजन सा मौजूद आ ठीक है तो ग्रिग्नार्ड रिएजन जो जो ही पार्ट आ पार्शल नेगेटिव आर वो अटैक कंदो हमेशा एक्टिव हाइड्रोजन से ठीक है। हाँ यो सागो ही आर इन में बताओ काथे अटैक कंदो ओ इन एच ते स्टूडेंट गलती कंदा इन आर के इन सा मिलाए करे ठीक है गलत ऑप्शन टिक करे इन एक्चुअली ई आर ओ हते अटैक कंदे ठीक है बोनस क्वेश्चन थे सके तो इतने ही आर सीधी पी एच से अटैक कंदी इतने भी गलती कंदा इन पर किताब सिंध टेक्स्टबुक के मुताबिक आर आर से मिल सिंध टेक्स्टबुक वो जनरली ही आर कैसा अटैक कंदो एच से कंदो ठीक है पीएमसी आ जैसे सवाल भी कटन ना तो पंजाब या फेडरल में चलो एच से आ ठीक है सिंध में कहीं थे आर थे गोड गम से बाबा असो एम सी क्यू सही है किताब के मुताबिक सभी सही थी ठीक है अड़ा सवाल तनाजे आ न कदा ठीक है पर इट एक्चुअली प्रोडक्ट छा कंदी आर एच ठीक है ऐसो नंबर वन ये शे जेन में रख दो ठीक है रटो ना आंजो नंबर वन आर एम जी एक्स रिएक्ट विथ वाटर ठीक है माने ही असानी पहली शे आ रिएक्शन विथ वाटर छा ठांदो आर एच आर एच प्लस बी प्रोडक्ट बतायो ही ओ एच रिप्लेस थी वही तो ओ एच एम जी एक्स तो मेन शे असानी ही ठही जैसे चबा अल्केन ठीक है एग्जांपल मिथाइल आ तो मिथेन इथाइल आ तो इथेन प्रोपाइल है तो प्रोपेन ब्यूटाइल है तो ब्यूटेन सी एच सी एच थ्री सी एच थ्री बुधायो मोहित हमजा हाँ भाई बताओ ए यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगी यहाँ पे जो बनेगी वो कौन सी अल्केन बनेगी ए स्ट्रेट चेन अल्केन फॉर्म्ड बी बी ब्रांच्ड कौन सी बनेगी
अच्छा पढ़ लो, आगे काम आएगा, ये रिलेटेड होता है, ठीक है, टॉपिक के साथ रिलेटेड है। हाँ ये टॉपिक के साथ रिलेटेड है, आगे जो टॉपिक आएंगे ना वहाँ पे ये चीज़ें काम आएंगी, यूज़ में आएंगी। तो यानी यहाँ पे हमारा जो अल्केन बनेगा वो है स्ट्रेट चेन, क्योंकि यहाँ से ब्रेकिंग होगी ना, तो बनेगा CH3 CH2 CH3, तो हमारी बनेगी अल्केन कौन सी, स्ट्रेट चेन बनेगी। अरे बताएं, अमोनिया के साथ रिएक्शन, अमोनिया को आप ऐसे लिख सकते हो ना, तो यहाँ पे बनेगी हमारी मीथेन, और अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ मिथेनॉल, तो बताओ इथेन बनेगी या मीथेन, तो जाहिर है ये मिथाइल एक्टिव हाइड्रोजन पे अटैक करता है, ठीक है, तो यानी आपकी बनेगी मीथेन। दोनों चीज़ों में प्रोडक्ट क्या बनेगी, मीथेन, ठीक है, याद करना, इतने भी मीथेन ठांदी और इतने भी मीथेन ठांदी, इथेन न ठहींदो। चौथी नंबर रिएक्शन, चौथी कैसे हुई भाई, वो पहली थी, ये दूसरी और ये वाली तीसरी। चौथी रिएक्शन जो अल्काइल अमाइन है अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये बनेगा, असल में छाट है, असल में ये बनना चाहिए यहाँ पे एच अटैक करें यहाँ पे, तो किताब के मुताबिक चले भाई, C2H6। इट इज़ वेरी इजी, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड रिएक्ट विथ मिथाइल आयोडाइड, क्या बनेगा, इथेन C2H6 प्लस MgI2। तो ये पांच रिएक्शंस, ठीक है, आज तक काफ़ी हैं यहाँ तक याद करने, ठीक है, सारा जो भी पढ़ा है उसको स्टडी करो सही तरह। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा ना वो है हमारा SN रिएक्शन, ठीक है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, जो हम इंशाल्लाह सुबह पढ़ेंगे, और सुबह से हम 10-15 मिनट शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखेंगे कोर्स के, ठीक है, वो अलहदा टाइम होगा, ठीक है, और MCQs भी मैं सोच रहा हूँ कि ऑनलाइन टेस्ट बनाई जाएगी, ठीक है, वो सारे ऑनलाइन टेस्ट देंगे टोटली स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।